नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राहु का परिवर्तन 2022 में आपके लिए क्या परिणाम लेकर आएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। जानेंगे इस वीडियो में राहु और 2022 कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए। 18 महीने बाद राहु का यह परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण होगा आपकी राशि के लिए। राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है। राहु कहाँ से पैदा हुए, राहु का इतिहास क्या है? समुद्र मंथन में जब अमृत का कलश निकला तो राक्षसों और देवताओं में दोनों में लड़ाई हुई कि कौन अमृत पिएगा। तो भगवान ने कहा कि अगर राक्षसों ने भी अमृत पी लिया तो फिर ये तो सारी जिंदगी के लिए अमर हो जाएंगे, फिर तो धरती पर बहुत पाप बढ़ जाएगा। तो भगवान ने छल से पहले देवताओं की लाइन लगा दी कि सब लोग एक एक देवता बैठो और अमृत को पियो। लेकिन इसी लाइन में स्वर्ण भानु नाम का एक राक्षस देवताओं का भेष बदलकर लाइन में बैठ गया और भगवान विष्णु अमृत पिला रहे थे मोहिनी का रूप धारण करके। तो सूर्य और चंद्र ने देख लिया कि ये व्यक्ति जो है ये राक्षस है, इसने अपना नकली रूप देवताओं का बनाया हुआ है। उन्होंने भगवान से शिकायत कर दी। जब तक शिकायत भगवान तक जाती, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सर काट दिया, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था तो मरना तो असंभव था। तो सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, तो जो सर वाला हिस्सा हुआ वो राहु हो गया और जो धड़ वाला हिस्सा हुआ वो केतु हो गया। अब अमृत पी चुके थे तो अमर होना भी स्वाभाविक है, लेकिन सूर्य और चंद्र ने शिकायत की थी इसलिए सूर्य और चंद्र से दुश्मनी हो गई राहु और केतु की। इसीलिए सबसे ज्यादा इस सृष्टि में जो सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, जिनके नित्य दर्शन आप करते हैं, उनको ग्रहण लगाने की क्षमता राहु के अंदर होती है और किसी ग्रह के अंदर वो ताकत नहीं है। तो कहीं ना कहीं राहु ताकतवर तो है ही। अब राहु के पास दिमाग है, केतु के पास दिमाग नहीं है। राहु की वैसे तो कोई अपनी राशि नहीं है, केतु की भी अपनी कोई राशि नहीं है। राहु जो है शनि के जैसे प्रभाव देते हैं या जिस राशि में बैठे हों उस प्रकार के फल देते हैं। राहु रातों रात किस्मत को बदल देता है क्योंकि राहु चतुर है, चालाक है। राहु के पास वो ताकत है, वो क्षमता है कि वो रातों रात किस्मत को बदल देगा। आपने देखा होगा कल गरीब थे आज अमीर हो गए, कल कुछ नहीं था आज बहुत कुछ हो गया, बहुत बिजनेस में घाटे चल रहे थे लेकिन अचानक से सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अमीर हो गए। कि मतलब बहुत जल्दी जो परिवर्तन आता है जीवन में, जो बहुत जल्दी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं वो राहु और शनि की वजह से होती है, केतु का भी योगदान होता है। तो राहु का परिवर्तन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। राहु हमेशा उल्टी गति से चलते हैं, सीधे नहीं चलते हैं। बाकी ग्रह सीधे चलते हैं, कभी कभी वक्री भी होते हैं, लेकिन राहु हमेशा उल्टी चाल से चलते हैं। ऐसे ही केतु का भी हाल है। राहु सूर्य और चंद्र को अपना शत्रु मानता है। राहु में चालाकी है, राहु में बुद्धि है, राहु में काम कराने की क्षमता है, कलयुग के राजा है राहु। तो इतने महत्वपूर्ण ग्रह का जब परिवर्तन होगा तो आपकी राशि पर जरूर फर्क पड़ेगा और 18 महीनों बाद होगा। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर क्या परिवर्तन होगा इस बलशाली राहु का। आपकी राशि के लिए राहु क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, तो अब ध्यान से आगे की कुछ लाइनों को समझिएगा। आपकी राशि के लिए राहु 2022 में क्या परिणाम देंगे, 18 महीने बाद राहु का यह परिवर्तन हो रहा है। 12 अप्रैल 2022 को सुबह 10:36 पर राहु मेष राशि में यानी मंगल की राशि में गोचर करने वाले हैं। तो ये परिवर्तन इस तारीख को होगा और इस परिवर्तन का असर 2022 में क्या होगा मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी।
देखिए, हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राहु शुरुआती दिनों में 10वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए शानदार परिणाम होंगे। राहु यहाँ पर शानदार फल देते हैं। राहु आपको बुद्धिमान बनाएंगे, परेशानी होगी तो परेशानियों का अंत करेंगे, कार्यशील बनाएंगे, नई विचारधारा का बनाएंगे आपको। आपको बहुत तरक्की देने वाले हैं राहु शुरुआती अप्रैल तक। आपका व्यक्तित्व तो बहुत शानदार होगा, समझदार इंसान होंगे, प्रसिद्ध होंगे, नौकरी व्यापार में बढ़िया सफलता मिलेगी और बढ़िया माता जी की सेवा कर पाएंगे, बढ़िया मान सम्मान मिलेगा। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सीरियस होंगे अपने कामों को करने के लिए। बहुत जल्दी बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे। आपकी ख्वाहिशें बड़ी बड़ी होंगी, इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होंगी। ज़रूरत से अधिक अपने पैर मत फैलाइएगा। एक कहावत सुनी होगी, ज़रूरत से अधिक चादर फैलाएंगे तो परेशानी में चले जाएंगे। तो ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं पालेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा शौक पाल लेंगे तो फिर गलत रास्ता अपना लेंगे और मुसीबत में फंस जाएंगे, परेशानी पैदा हो जाएगी। व्यापार फैलाने में आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, इच्छाएं आपकी बहुत होंगी। इच्छाओं को सीमित करने की कोशिश करिएगा। लालच आपके सीनियर अधिकारियों से आपके रिश्तों को खराब कर देगा, विवाद बढ़ा देगा। आप अपनी कुंडली में शनि को जितना मजबूत रखेंगे उतने ही शानदार परिणाम आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। अगर राहु खराब होगा तो कैसे पता चलेगा कि राहु खराब है? तो सबसे पहले तो आपका करियर सेट नहीं होगा, करियर में परेशानी आती जाएगी, नौकरी व्यापार में समस्याएं होती जाएंगी, पैसों की परेशानी होगी, माता जी की सेहत खराब होगी, शत्रु वर्ग जो है आपके ऊपर हावी रहेगा, चोट चपेट लगती रहेगी, ऐसा रोग लग जाएगा जिसके इलाज में बहुत पैसा लगेगा, आपके सीनियर अधिकारी आपसे बहसबाजी करेंगे, आप उनसे बहसबाजी करेंगे, विदेश जाने में खूब कोशिश करेंगे और विदेश जाने के काम ना बने। तो शराब पीना और मांसाहार का सेवन करना भी खराब राहु की निशानी होगा। रात को आप अक्सर अपने घर लेट जाएंगे, चाहे काम की वजह से हो, घर के कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे आप इस समय में। कभी कभी मिठाई और लाल कपड़ा जो है आप दान करें या अपने रिश्तेदारों के घर गिफ्ट कर दें, ये राहु का उपाय है। अप्रैल में राहु जब नवम भाव में चले जाएंगे तो क्या होगा, शुभ राहु होंगे तो किस्मत में सभी बुराइयों को दूर कर देंगे। धर्म के प्रति आपको रुचि रखनी होगी, अगर आप अधर्मी बने तो बर्बाद हो जाएंगे। धार्मिक कार्यों की वजह से विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, ईश्वर के कामों की वजह से आपके बहुत सारे अच्छे काम हो सकते हैं। ईश्वर में अपनी भक्ति और सद्भाव को बनाए रखिएगा, धार्मिक बने रहिएगा, भले ही किसी धर्म के क्यों ना हो आप। इस दौरान पिता या दादा से रिश्ते खराब हो सकते हैं, यात्रा पर खर्चा बढ़ सकता है, पिता या दादा से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पिता या दादा या पुराने अपने खानदानी व्यापार में विचारों का न मिलना परेशानी का कारण पैदा कर देगा। जब तक धार्मिक रहेंगे तब तक तरक्की होगी। सफलता पाने के लिए मेहनत का ही रास्ता अपनाएं, कोई शॉर्टकट बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। इस वक्त में कुछ लोग धर्म परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं, धर्म के बारे में गलत शब्द बातें कर सकते हैं, धर्म के विरुद्ध जा सकते हैं। प्रेम संबंधों में तनाव और पेशेवर जिंदगी में उथल पुथल बनी रहेगी। नई नौकरी की तलाश होगी लेकिन देर से नौकरी मिलेगी। एकाग्रता में कमी आएगी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, आपके अंदर जल्दबाजीपन की बेचैनी होने लगेगी। जल्दी जल्दी काम कर लें, बीमारियां भी होंगी, जल्दबाजीपन आपको बर्बाद कर देगा। ठगी से धन कमाने की सोच होगी, जल्दी से किसी का पैसा लूट लें उसमें मन लगेगा। आप किसी को धन दे तो देंगे लेकिन वो वापस नहीं आएगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पैसा मांगना करना। शनि संबंधी काम थोड़े लाभ दे सकते हैं, नशे की आदत पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगी आपको। नाखूनों का बढ़ना, जो लोग नाखून ना काटे, जिनके काले काले बड़े बड़े नाखून हो, या उनके घर में का कुत्ता हो और वो कुत्ता गुम हो जाए या अचानक से उसकी डेथ हो जाए, या किसी को नशे की आदत एकदम से अचानक से लग जाए, तो समझ लें परेशानी आना 2022 में सिंह राशि वालों के लिए तय है। पत्नी को परेशानी होना, पत्नी के पेट में गड़बड़ होना, जो बच्चा पैदा करने की जो रास्ता होता है महिलाओं के पेट में ट्यूमर होना हो जाना, वहाँ पर कुछ किसी भी तरीके की परेशानी होना
बहुत राहु के खराब होने की निशानियां होंगी। राहु शनि के अनुसार ही यहाँ पर फल देगा। अदालती कामों में आप झूठी गवाही दे दें, किसी की जिम्मेदारी ले लें, तो आपके लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। अदालती कामों में आपके सुखों का पूरा दम निकल जाएगा। अदालत के, कोर्ट कचहरी के, पुलिस के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे। सगे भाई बहन से रिश्ते अच्छे बना के रखिएगा, धर्महीन नहीं होइएगा, वरना संतान निकम्मी हो जाएगी। दसवें घर में जब तक राहु रहेगा शुरुआती अप्रैल तक, तो आपको सांप की मड़ी कहा जाएगा, यानी आपके पास धन दौलत सब चीज़ें होंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और आप बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करेंगे। जैसे ही नवम भाव में जाएगा, यहाँ पर अक्सर परेशानी ये होती है कि व्यक्ति अधर्मी हो जाता है। जो उसने 4 महीने पहले खूब कमाया होता है, तो उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, अरे ये भगवान और ये धर्म कर्म मंदिर वंदिर बेकार की चीज़ है, कर्म करो, ये करो, वो करो, बेफालतू के उपदेश देने लगेगा। जो जो जैसे कई लोगों ना बेफालतू के कमेंट, अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे टीवी पर कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा होगा, तो उस पर व्यक्ति कहने लगेगा, अरे ये सब धर्म कर्म बेकार होता है, यही ये लोग जाकर मेहनत कर लेते तो बढ़िया होता। कहीं भी मान लीजिए किसी मंदिर का शिलान्यास हो रहा है या कोई धर्म का काम हो रहा है, अरे ये मंदिर वंदिर छोड़ो, यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी बना देते, यहाँ पे कोई गौशाला बना देते, यहाँ पे कुत्तों का आश्रम बना देते, यहाँ पे ये कर देते, वहाँ पे वो कर देते, तो बेवजह कैसे व्यक्ति कमेंट देने लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति जो भी धर्म का काम हो रहा होगा उसके विरुद्ध चला जाएगा, उल्टे सीधे कमेंट पास करेगा, समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, उसका अंत आने वाला है, उसकी शख्सियत मिट्टी में मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा होती है, ऐसा व्यक्ति मतलब बेवजह किसी दूसरे के धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगेगा, अपने धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगेगा, अपने धर्म की बुराइयां निकालकर दूसरे धर्म की अच्छाइयां गिनाने लगेगा, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को अपनाने की कोशिश करने लगेगा। तो ऐसे में समझ लीजिए कि अब आपका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। तो धार्मिक होना अच्छी बात है, जितना धर्म से जुड़े रहेंगे, जितनी अच्छी मेहनत करेंगे। अब जब आप धर्मी रहेंगे तो अधर्मी नहीं हो सकते। अब अधर्म क्या है? पाप, उल्टे सीधे काम करना, ये सब करना, ये सब अधर्म के काम है। तो जैसे ही धर्म से हटे तो अधर्म का राह चुना आपने और बर्बादी शुरू हो जाएगी। तो सिंह राशि वालों को यहाँ पर मैं सावधान करने की चेष्टा कर रहा हूँ। आप अगर इस वीडियो को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो समझ जाइए कि यही एक रास्ता है जो आपको राहु के शुभ परिणाम दिला देगा। बाकी आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को सुधारने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर YouTube पे आपको इससे बढ़िया वीडियो आपके लिए राहु पर बना हुआ मिल जाए, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरा कमेंट आपको जो जो मैंने आपको बताया ये अच्छा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मैं अपने भले के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो वीडियो बनाऊंगा, दुनिया के लिए डालूंगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा आपका है, क्योंकि जानकारी आपको मिली, मुझे तो पता ही है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, फ़ायदा हम दोनों का है, क्योंकि आप खुश होंगे तो मैं खुश होऊंगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हम सब भारतवासी हैं और भारतवासियों का अच्छा होना मेरे लिए गर्व की बात है। तो उपाय क्या करें? अंधे लोगों को मीठा भोजन खिलाएं, उनको भरपेट बढ़िया भोजन खिलाएं, लेकिन अंधे वो हों जो 100% ब्लाइंड हो और पुरुष हों। मसूर की दाल को पानी में बहाना आपके लिए अच्छा होगा, मसूर की दाल का सेवन ना करें। तो ये रहेगा सिंह राशि वालों के लिए जब राहु का परिवर्तन होगा 2022 में। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, भगवान का नाम और धार्मिक बने रहना आपके लिए बढ़िया है। मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि आप घर में 4 घंटे पूजा करें और अपना काम ना करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप घंटी बजाएं, शंख बजाएं, ये सब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा। ये नहीं कहूँगा कि आप घर में बहुत बड़ा सा मंदिर बना लें, खूब मूर्ति रख लें। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा, धार्मिक बने रहिएगा, नास्तिक मत होइएगा। आप सिर्फ इतना काम कर लें कि धर्म का साथ दें, और जो भी धार्मिक स्थान है जहाँ पर भी आपकी श्रद्धा हो वहाँ पर हाथ जरूर जोड़िएगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। इतना मेरी बात अगर मान लेंगे तो सिंह राशि वाले 2022 में राज करेंगे। बाकी परेशानियाँ और भी हो सकती हैं, आपकी जन्म कुंडली के आधार पर तय होगा कि आपको कितना राहु अच्छा या बुरा रिजल्ट देंगे। तो उसकी जाँच के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।